गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे और नए व्लॉग में। और अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं अभी हूँ जमशेदपुर में, और जमशेदपुर में कल ही आ गया था, बाय फ्लाइट आया था। फ्लाइट वाला वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। उसके बाद मैं कल आसपास में गया भी था। स्पेशली यहाँ का एक फेमस है ब्रदर्स चाप, उनका चाप बहुत फेमस होता है, वहां भी कल मैं गया था। वो सब कुछ को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिखा दिया, आप जाके देख लेना। फिलहाल आज मेरा प्लान हो रहा है मतलब खाऊगली वापस से जाने का, और जो मेन सब बचा हुआ रह गया था ना वो सब कवर करने का। अभी है रूम में हम लोग, और ये रूम मैंने लिया है। एक्चुअली मैं कल था साक्षी में, जहाँ पे मैंने लिया था जीवा होटल। अभी मैं आ गया हूँ इस पूरे जमशेदपुर के सबसे प्राइम लोकेशन में, जो की बिष्टुपुर। और बिष्टुपुर में मैंने ये वाला होटल लिया है जो की है जिंजर होटल। इसका रेटिंग ठीक ठाक था और रूम में मेरे को ठीक ठाक ही मिला है। मैं भी आपको रूम टूर करके दिखाया, और आपको पता है मैं आपको बहुत सारा रूम का दिखाता हूँ। व्यू देख लो भाई, ये देख लो, ये ओशन व्यू है। ये इस रूम से आपको पहाड़ वाला व्यू मिलेगा, ये मिलेगा। इस वाले रूम से पता है कौन सा व्यू मिलता है? ये देख लो जी, इस वाले रूम से आपको फैक्ट्री व्यू मिलता है। ये टाटा स्टील फैक्ट्री है, वो सारे जो इंजीनियर है ना वहाँ पे देख लो खाना पीना भी खा रहे हैं। अभी एक काम करता है ना, जल्दी से आपको रूम टूर दे देता है। तो ये अपना देख लो, ये अपना रूम का एंट्रेंस है। यहाँ से जैसे ही आप एंटर करते हो आपको राइट साइड में दिख जाएगा वॉशरूम, और वॉशरूम थोड़ा सा मतलब अलग ही लग रहा है। दिखाता हूँ मैं एक बार जाकर, पहले वॉशरूम ही दिखाता हूँ मैं। ये देख लो ये क्या है भाई, ये तो अलग ही लग रहा है सब कुछ। इसका क्या यूज है वो नहाते वक्त ही पता चलेगा। वॉशरूम बढ़िया लगा मेरे को। फिर आप जैसे ही अंदर एंटर करते हो तो देख लो ये कुछ रूम है अपना, ठीक है। रूम छोटा सा रूम है, अब क्या ही बताऊं मैं। यहाँ पे वो चाय कॉफी बनाने का सारा तामझाम। ये वार्डरोब, पता नहीं ये वाईफाई मिला है कि क्या है, मेरे को पता करना पड़ेगा। ये नीचे मिनी फ्रिज, अच्छा मिनी फ्रिज में भी एक पानी का बोतल है, वाह। वहाँ एक वर्किंग डेस्क है, ये टीवी, और ये व्यू तो मैंने आपको दिखाया है, फैक्ट्री व्यू। ओवरऑल यही रूम है अपना, देख लो। थोड़ा छोटा रूम है लेकिन ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो 2400 रुपीज के हिसाब से मैं बोलूंगा ठीक है, लोकेशन के हिसाब से भी मैं बोलूंगा ठीक है। और अभी थोड़ा सा जाना है मार्केट, एक दो सिरप भी लेकर आना है वो सर्दी जुकाम वाला। चलो जी, अभी होटल से बाहर निकल गए, और देख लो मेरा होटल जो है ना, ये पीछे वाला मेरा होटल है। एक्चुअली इस होटल में भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको ऐसा। और बाकी ये देख लो, ये मेन रोड है, सब कुछ आसपास में ही है, सब कुछ पास में है। अभी हमें जाना उस पार है भाई, देखते हैं कहाँ से जा सकते हैं, वहां से हमें जाना होगा। अभी वैसे बाहर बारिश हो रहा है, अभी भी हल्का फुल्का हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले काफी तेज हो रहा था, इसलिए अभी मैंने देख लो सूप ऑर्डर कर लिया है। एडिटिंग भी चल रहा है, सूप भी ऑर्डर कर लिया है मैंने। ये शायद मैंने मनचाऊ सूप ऑर्डर किया है। चलो, देखकर तो बढ़िया लग रहा है सूप, सूप इंजॉय करते हैं अपना। अभी जैसा वेदर होके रखा है ना उसमें ये सूप काफी बढ़िया लगेगा। फाइनली मेरा अभी काम कम्प्लीट हुआ है, और अभी मैं निकला हूँ यहाँ से बाहर के लिए। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ खाऊ गली। कल भी मैं खाऊ गली गया था लेकिन अच्छे से ब्लॉग नहीं कर पाया था। आज जा रहा हूँ, अगर अच्छे से दिखा पाए तो जरूर दिखाऊंगा। अभी मैंने मैप में चेक किया, जो खाऊ गली है ना हमारे होटल से एकदम पास में ही है, एकदम पास में नहीं, लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो वही हम लोग सोचते हैं चलो वॉक करके ही चलते हैं। और सामने में ही देख लो यहाँ पे आंध्र भक्ता श्री रामा मंदिरम, ये भी है। अभी जाते हैं वॉक करके, पूरा मार्केट एरिया ही है। अभी जैसा मौसम है ना वॉक करने में अच्छा लग रहा है। तो कल वाला ब्लॉग मैंने यही पे एंड किया था अपना। अभी वापस से देख लो आ गए हैं खाऊ गली। लाइन से आपको बहुत सारा ऐसा स्टॉल दिख जाएगा। अभी सबसे पहले हमको ट्राई करना है शॉर्मा, वो आगे में साथ मिल रहा था, भाई ने बताया था यहाँ का शॉर्मा बहुत अच्छा होता है। तो अपने सब्सक्राइबर ने ना हमें यहीं पे रिकमेंड किया था यहाँ का शॉर्मा ट्राई करने के लिए। क्या नाम क्या है? शॉर्मा फूडी हब। ये जस्ट अपोजिट देख लो, शकुंतलम के अपोजिट में यही है। ये भैया खरीदा हुआ है या फिर खुद से बनाया हुआ है? बनाया हुआ है। टॉपिंग्स कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया चिकन में, लोडेड शॉर्मा है। वैसे ये जो एक शॉर्मा देख रहा हूँ 90 रुपीज का है, तो मैंने इसको 1/2 करवा लिया है, क्योंकि अभी बहुत कुछ ट्राई करना है लाइन से ना, तो पेट में जगह भी होना चाहिए। थैंक यू भैया। चलो जी ट्राई करते हैं इनका शॉर्मा, बताते हैं कैसा है। दिस इज गुड। सबसे मेन बात इनका जो चिकन है वो तो स्मोकी है, और साथ में जो मेयोनीज और सेजवान का भैया ने मिक्सचर डाला ना वो असली जादू कर रहा है इसमें। और बीच में ना एक क्रंच भी है, वेजीज जो इन्होंने डाला ना भैया ने, तो वो बीटरूट वगैरह का एक क्रंच भी मिल रहा है, प्याज का भी, अच्छा लग रहा है। कहने का मतलब ओवरऑल बढ़िया है ये, 90 रुपीज के सबसे बेस्ट है। खाऊगली आते ही सबसे पहले मैंने यही ट्राई किया, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा अगर आप आ रहे हो तो यहाँ का शॉर्मा ट्राई कर सकते हो। और भी देख लो इतने सारे टाइप्स के शॉर्मा है इनके पास, मेरे को ये तो बहुत बढ़िया लगा। चलो जी वहाँ से शॉर्मा ट्राई करके तो निकल चुके हैं। अभी देख लो भाई लाइन से बहुत सारा है। एक मैंने यहाँ के बारे में सुना है, यहाँ पे एक स्पेशल ये मिलता है कुड़कुड़े मोमो, कल अपना सब्सक्राइबर भी रिकमेंड कर रहा था हमें, बट वो खोजते हैं अभी कहाँ पे मिलता है। और डोसा का भी एक जगह है जहाँ पे 108 टाइप का डोसा मिलता है, तो देखते हैं कहाँ जाना है हमें। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को देख लो प्योर वेज कुड़कुड़े मोमो। दो सब्सक्राइबर मिले थे, वो बोल रहे थे मोहित भाई ये ट्राई करके देखना, अब ये नहीं पता कि कहाँ का। अच्छा तो देख लो कुछ ऐसा होता है कुड़कुड़े मोमो, अच्छा ऐसा कुछ सेम चीज, अच्छा कोट किया जाता है ना केएफसी में जैसे कोट होता है, वो तो आपका आपके ऊपर आप क्या क्या मिक्स करते हैं। बाकी चलो ट्राई करते हैं कुड़कुड़े मोमो,
ये भी मैंने बहुत सुना था कुरकुरे मोमो के बारे में, फाइनली ट्राई करते हैं। मैडम का अभी तक ये शॉर्मा कंप्लीट नहीं हुआ, जल्दी करो तब तो इसको भी ट्राई करोगी। एक ही प्लेट बनाना भैया। मैं तो यहाँ पे वेज वाला ट्राई कर रहा हूँ, आप बता देना वेज वाला ज्यादा बेटर होता है कि नॉन वेज वाला, और कौन सा है। मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, देख लो क्रेजी मोमो प्योर वेज। तो ये जो अपना मोमो है ना ये फ्राई होता है। वैसे ये 110 रुपए का प्लेट आता है, 10 पीस रहता है। हाफ प्लेट का ऑप्शन है, हाफ प्लेट कितना? 70 में कितना? 5 पीस। तो 70 का लेते हो तो 5 पीस, 110 रुपए का लेते हो तो 10 पीस। तो देख लो जी ये मैंने अभी ले लिया है कुरकुरे मोमो, देखकर तो भाई वाकई में काफी अच्छा लग रहा है और लग भी रहा है ये काफी क्रिस्पी होने वाला है। चलो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं, बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। और हाँ हम लोगों ने एक प्लेट ऑर्डर किया था लेकिन मैं बोला भैया बाकी 5 पीस रखो संभाल के, पता नहीं सारा ट्राई भी कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए 5 पीस पैक करवा लेंगे, 5 पीस ट्राई करेंगे। चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं ये इनका कुरकुरे मोमो। वैसे हाँ ये सूप के साथ आता है, मेयोनीज और दो टाइप का चटनी, मेयोनीज के साथ तो बाद में ट्राई करेंगे। दिखते कैसे कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। जमशेदपुर में ना बहुत सारे लोग मिल रहे हैं मुझे, हालांकि सबको कैमरा पे नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ अंदर में अगर चिकन का स्टफिंग रहता ना तो और कमाल का लगता। ऊपर में बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर तो देख लो वेजीज है काफी नरम। मैं तो बता रहा हूँ ऊपर वाला पार्टी में खा लूंगा, इतना बढ़िया लग रहा है इसका। हाँ मोमो का पकौड़ा, ओवरऑल सिंपली बोलो तो ये मोमो का पकौड़ा खाकर मजा आ रहा है। सच बताओ तो चटनी से ज्यादा अच्छा ना मेयोनीज के साथ खाके लग रहा है। सिंपली बताओ तो ये मोमोज लगे नहीं रहा है, ये जो भी लग रहा है डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और ऐसा सेम चीज मैंने भुवनेश्वर में खाया था, भुवनेश्वर में कोई एक मॉल है, पता नहीं मैं मॉल का नाम बोल रहा हूँ, बार में मैंने खाया था, वो भी बहुत बढ़िया था, लेकिन वो शायद चिकन वाला था, ये वेज है। चलो वहां से कुरकुरे मोमो ट्राई करके निकल गए। कुरकुरे मोमो मैं बोलूंगा ठीक लगा, मेरे को ऐसा लग रहा है चिकन वाला होने से ज्यादा अच्छा लगता, और जो मैंने भुवनेश्वर में ट्राई किया था ना कुरकुरे मोमो वो ज्यादा बेटर था। अब यहाँ पे देखते हैं एक बढ़िया पाव भाजी का कॉर्नर भी है, पता नहीं कौन सा है, शायद विनोद बोला था या पता नहीं क्या। और ये जो आप देख रहे हो ना डोसा प्लाजा, यहाँ पे देख लो 151 वैरायटीज ऑफ डोसा मिलता है। ये डोसा वाले के पास बाद में आएंगे, पहले पाव भाजी देखते हैं कहाँ पे। ये तो विनोद मोमो है, अच्छा ये रहा बंद है, तो शायद विनोद पाव भाजी के लिए बताया था भाई ने, लेकिन बंद है ये तो। तो यहाँ पे विनोद पाव भाजी देख लो, हम लोग इस साइड खोज रहे थे जो की बंद है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फुल प्लेट 70 का, हाफ प्लेट 40 का, एक्स्ट्रा पाव 10 रुपए का। हम लोग हाफ प्लेट लेते हैं भैया, हाफ प्लेट बना दो। तो यही है देख लो फेमस विनोद पाव भाजी, भैया अंदर में म्यूजिक बजा रहा है, ज्यादा देर दिखाएंगे तो आ जाएगा हमें कॉपीराइट। तो ये ले लिया हम लोगों ने देख लो हाफ प्लेट पाव भाजी। यस यस, कैसे हो? थैंक यू थैंक यू। कैसे बढ़िया, हाथ छोड़ा के भाग गया। चलो जी ये हम लोगों ने ले लिया पाव भाजी, हम लोगों ने यह हाफ प्लेट ही लिया, देखकर तो अच्छा लग रहा है यार पाव भाजी, वाकई में अच्छा लग रहा है ये। चलो आधा आधा ट्राई करते हैं थोड़ा सा पाव। सबसे मेन बात इनका ब्रेड फ्रेश है, और जो इनका भाजी है ना वो मैं बोलूंगा ओके ओके सा है। ऐसा भी नहीं कि क्या ही डिफरेंट मैंने ट्राई कर लिया, बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छा है। हो सकता है यहाँ के हिसाब से अच्छा हो, क्योंकि एक मैंने मुंबई में भी ट्राई किया था और एक दिल्ली में भी ट्राई किया था, भाई वो तो नेक्स्ट लेवल था, लेकिन ये ठीक है मैं बोलूंगा यहाँ के हिसाब से ठीक है। 40 रुपीज का ये हम लोगों ने हाफ प्लेट लिया है। सबसे अच्छा बात ये लगा ना ब्रेड फ्रेश है इनका, और भीड़ भी है आस पास में देख लो, अच्छा खासा भीड़ है। ऑल राइट अभी हम लोग आ गए देख लो डोसा प्लाजा में, यहाँ पे 151 वेराइटीज का डोसा मिल जाएगा। एक काम करते हैं ना अंदर में पूछ लेते हैं सबसे बढ़िया इनका डोसा कौन सा है। यहाँ पे देख लो बहुत सारा डोसा का ऑप्शन है, अब आपको कौन सा बनाना है देख लेना वीडियो को पॉज करके, और हम लोग कौन सा डोसा ट्राई करते हैं वो भी बताएंगे। तो अंदर में मैंने भैया से पूछा तो इन्होंने बताया कि कोई डिलाइट डोसा है, सब कुछ मिक्स रहता है उसमें, तो हम लोगों ने ये डिलाइट डोसा कुछ लिया है इनका, भैया ने रिकमेंड किया, बता देंगे कैसा है ट्राई करके, बनते हुए भी दिखाएंगे आपको। पेट में भैया बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन हाँ बहुत लोगों ने बोला था ये जगह को दिखाने के लिए इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी अपना बन रहा है भैया, चलो अभी अपना बनेगा यहाँ पे डिलाइट डोसा। ओ भाई साहब क्या क्या जा रहा है डोसा में देख लो, प्याज कैबेज पता नहीं क्या क्या चला गया इसमें। ये क्या था? मेयोनीज भाई साहब, मेयोनीज सेजवान। मुझे याद है मैंने एक अहमदाबाद में ट्राई किया था घोटाला डोसा, ये तो उसका भी बाप लग रहा है सच बता रहा है। इसमें मसाला नहीं जाता है क्या? ये क्या पनीर है? अच्छा ये अभी ऊपर से गया पनीर, इसमें ऐसा मसाला नहीं रहता है, ऑलरेडी इतना कुछ चला गया, मसाला डालने का जगह भी तो होना चाहिए ना, खाना है ना, ऑलरेडी बहुत कुछ जा चुका है इसके अंदर, मेरे को नहीं लगता कि अब इसके बाद कुछ जाएगा। भैया ये इनफ है ना? बस चलो जी डन है, अपना डोसा बनकर हो गया रेडी। ऐसा डोसा लग रहा है क्रिस्पी होगा अपना,
तो ये ले लिया हम लोगों ने, देख लो अपना डिलाइट डोसा। और इससे ऊपर भी एक था 120 का, ये साथ 110 का है। चलो जी ट्राई करते हैं ये डिलाइट डोसा, बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। और वैसे इसको एक लाल चटनी है और ये सांबर, ये नारियल चटनी, इसके साथ सर्व किया गया है। काफी क्रीमी सा लग रहा है अंदर का, जो इसका स्टफिंग ही बोल सकते हैं इसको, काफी क्रीमी लग रहा है। डोसा जैसा तो नहीं लग रहा है, लग रहा है वो डोसा के साथ जो एक्सपेरिमेंट होता है ना वो किया गया है। तो यही है वो एक्सपेरिमेंट वाला डोसा है जो हम लोगों ने गुजरात में खाया था ना, घोटाला डोसा, सिमिलर ही है समझे एक तरह से। तो उसमें लेकिन भर भर के बटर चीज क्या क्या डाला गया था। ऊपर वाला पार्ट काफी क्रिस्पी है, लेकिन ये जो डोसा है ना ऊपर से काफी क्रिस्पी है, ये खाकर ज्यादा मजा आ रहा है। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप मसाला डोसा ही, नॉर्मल जो डोसा होता है वो ट्राई करो। वैसे सच बताते इसको खाने से ज्यादा मजा ना इसको बनते हुए देखने में आया, मजा आ गया बनते हुए देखने में। इसके अलावा भी इनके पास ये सारा डोसा का ऑप्शन है, देख लो। चलो जी यहाँ से डोसा भी ट्राई कर लिया हूँ मैं, और सच बताया तो ज्यादा डोसा मैं खा नहीं पाया। हम लोगों ने जो डोसा ट्राई किया वो मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, आप नॉर्मल मसाला डोसा ही ट्राई करो। हाँ जी, तो सब खा पी के अभी हम लोग आ गए, देख लो ये महाकाल चाय के पास। आसपास में हम लोगों ने पूछा, सबने यही बोला कि ये महाकाल का चाय ट्राई करो, बहुत अच्छा होता है, ट्राई करते हैं फिर बता देंगे कैसा है। ये भी एकदम पास में ही है, देख लो वो जो है ना ब्रदर्स चाप, उसके ऑपोजिट में ही है ये भी। कैसा है तुम्हें चाय का रिव्यू था? मस्त, चलो जी मैं भी ट्राई करता हूँ यहाँ का चाय। भैया आइसक्रीम वगैरह मिला कर दिया हो क्या? एकदम मलाई वाला चाय लग रहा है भाई। अभी तक का ट्राई किया हुआ वो शॉर्मा के बाद ये चाय बहुत बढ़िया लगा है हमें, बेस्ट है। कुछ भी ट्राई करो लेकिन महाकाल का चाय पीना मत भूलना, मस्त है। हाँ जी, तो मैं वो सारा स्ट्रीट फूड ट्राई करके जल्दी रूम आ गया था। कल सुबह सुबह मेरा ट्रेन था, अभी वैसे टाइम देख लो सुबह का लगभग 5 बज रहा है और अभी मैं हो गया हूँ रेडी, क्योंकि मेरा ट्रेन है 6:10 का। वीडियो को इससे ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, जितना हो सकता मैंने उतना स्ट्रीट फूड सब ट्राई किया, और भी बहुत सारा ऑप्शन था। तो क्या क्या छूट गया आप लोग कमेंट में बता देना। स्पेशली मैं आया था स्ट्रीट फूड के लिए यहाँ पे, कि चलो ठीक है अगर आऊंगा तो यहाँ पे मैं खाओ गली जरूर विजिट करूंगा, तो यही रीजन था। ब्रदर्स चाप भी मैंने कवर किया और जो जो मेन था वो मैंने कवर किया, और अगर क्या छूट गया कमेंट में जरूर बताना। और आई नो बहुत सारा घूमने का भी जगह था, स्पेशली वो डिमना लेक काफी लोग बता रहे थे, और भी एक दो जगह बता रहे थे, वो तो कभी और कवर करेंगे, उसके लिए मैं अभी नहीं आया था। फिलहाल ये वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।